श्रीमती भक्ति चारू स्वामी के नाम में स्नेहपूर्वक सुखमय दवा के नाम से स्थापित हम प्रभुपाद का प्रणाम भक्ति चारू को हरे कृष्णा। मैं आज सुबह भी मंगल आरती में बैठने के जाने के पहले सोच रहा था, ये विचार काफी बार बार भी आया कि यहाँ पे मुझे परसमी गुरु महाराज का संग तो बहुत ज्यादा मिला पर समावर्ग में उसकी इतनी वैल्यू नहीं समझ पाया। जिस प्रकार की वैल्यूज डिवोटी शेयर करते हैं श्री सरंद विजय कृष्ण श्रीनाथ कृष्ण माता जी, इन लोग के हृदय का इतना इतना डीप एप्रिशिएशन है गुरु महाराज को लेकर के कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं मेंटली इन सभी को वर्शिप करता हूँ इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को लेकर के दैट दे रियली हैव दैट ट्रू लव फॉर गुरु महाराज विच आई एम एस्पायरिंग फॉर। तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, अगर मैंने एक बार रोना शुरू कर दिया तो चुप नहीं हो पाऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा लाइट ही चीजें डिस्कस करूंगा। गुरु महाराज जब मैं ऑल्टर डिपार्टमेंट में आया था मई 2013 में, तो डिपार्टमेंट इंचार्ज उसके बाद से इंटरेक्शन काफी बढ़ गया था। इनफैक्ट एक दिन में तीन तीन कॉल्स तक आते थे। तो गुरु महाराज तो उस समय एक दिन में तीन कॉल्स तक आते थे। अब गुरु महाराज बहुत प्रेम से बोलते थे हरे कृष्णा वृजिन कृष्णा। अब हमारे गुरु महाराज ने मेरे से इस पूरे जीवन काल में केवल दो ही भाषाओं में बात की है। आप तो सोचते होंगे इंग्लिश और हिंदी, नहीं इंग्लिश और बंगाली। गुरु महाराज ने वैसे कभी हिंदी में बात नहीं की, बंगाली में तब बात की जब मतलब गुरु महाराज अपने फ्लो में ही थे और अदरवाइज नॉर्मली इंग्लिश में बात की। और शुरुआत में मैं राधापाद प्रभु जनवरी 2011 में ज्वाइन किए थे और राधापाद प्रभु पैशनेट व्यक्ति थे। जब मैंने अपने पैशन को भक्ति में निकालना शुरू किया तो 4:30 बजे के पहले 16 वाला का जब खत्म। अब ये चीज जब श्री शिव भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने एक बार गुरु महाराज को गुरु महाराज क्वार्टर में बताई तो गुरु महाराज का मुंह गले से लगा लिया। अब इससे जब मुझे पता चला तो मुझे लगा अच्छा गुरु महाराज का 4:30 के पहले 16 वाला जब पहले गले से लगाते बहुत कम करता था 2012 का पास टाइम 12 की बात है। महाराज तो बोलते रहते थे हेडशेयर करना चाहिए ब्रह्मचारी को हेडशेयर करके रखना चाहिए, मैं ज्यादा सुनता नहीं था। तो एक बार गुरु महाराज ऊपर से नीचे आ रहे थे, मैं टेम्पल वाले से ऊपर जा रहा था, हेड शेक किया हुआ था। तो मैं तो देख के घबरा गया, गुरु महाराज आ रहे ऊपर से, फटाक से रिवर्स गियर लगाया सीढ़ी पीछे आकर के दंडवत पड़ा। उसका जैसे ही उठा तो गुरु महाराज ने सिर में हाथ फेर दिया और महाराज ने उसका पर पोड़ दे दिया। देखो तुमने हेड शेक किया हाथ फेर दिया गुरु महाराज। आपको मालूम है केमिस्ट्री में मुझे पीरियोडिक टेबल ऐसा ही होता कि आंख बंद करता तो पूरा पीरियोडिक टेबल सामने जाता था, है ना। एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास रहता है ना, एच ए ना के आर बी सी एस एफ आर बे मक्का सर बारह पूरा पूरा याद था। इसके बाद मैंने कोई चीज़ ऐसी याद नहीं की, पर गुरु महाराज झटाके से फोन पे ऑल्टर के डायमेंशन पूछते थे। अच्छा वो युगल ब्रेक प्रूफ ऑल्टर भेजा तो उसका डायमेंशन क्या था, अरे अभी एक साल पहले ऑल्टर भेजा था डायमेंशन। तो फिर क्या किया था, मैंने अपने स्क्रीन सेवर में सारे ऑल्टर्स का डायमेंशन लग करके रखा था और जैसे गुरु महाराज बोलते थे फटाक से लैपटॉप खोल करके फटाक से आंसर देते, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते थे। अच्छा एक साल पुराने ऑल्टर डायमेंशन मुझे बता दिया। तो पीरियोडिक टेबल की तरह ऑल्टर के डायमेंशन उस प्रकार से याद होना शुरू हो गया थी। गुरु महाराज वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर लाइक इन गिविंग एट द सेम टाइम डिमांडिंग एज वेल। कभी गुरु महाराज हम लोग को बुलाते थे कभी ईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी को महाराज के साथ में प्रसादम के लिए, तो प्रसादम के लिए तो जाते थे पर साथ में थोड़ा सा टेंशन भी रहता था, मालूम नहीं क्या चीज़ पूछ लेंगे प्रसाद देते रहते। अभी एक बार जो है बढ़िया से हम लोग प्रसाद दे रहे थे और गुरुवार ने पूछा
परी का क्या भाव है? तो मेरे को मालूम नहीं था, तो मैंने धीरे बार को सोचा गूगल सर्च करो। वो गूगल सर्च में मालूम नहीं क्या सर्च किए, कौन सी साइट में उसने पनीर का रेट लिखा था 80 रुपए किलो। जैसे बोला मुझे हाँ पनीर का रेट, मैंने बोला 80 किलो भाजा, मेरे पास तो नहीं भाई 80, अरे भक्ति तू बाजू में था ना 280 किलो मैंने। तो जाकर ये जान बची क्योंकि मैंने अपने का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। मैं फोन पे बड़ा एक्टिव रहता था, अभी भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। योगेश चंद्र बोलते हैं किसी का फोन नहीं लगता, मुझे विश्वास रहता है आपको फोन लगाएंगे आप उठा लोगे। फोन पे एक्टिव रहता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। अब कितना जितनी इतनी फोटी की गुरुआ जब फोन करे तो यार तुम बाथरूम में हो या कहीं और हो कि मोबाइल चार्ज हो रहा हो कि फोन नहीं ले पाए, और इसी चीज के गुरुआ नाराज हो, व्हाई डू यू पिक अप योर कॉल। कृष्ण के सर को कला एक्सपीरियंस है, गुरुआ जिस पर्टिकुलर की फोन लगाते हैं तो फोन उठना चाहिए, करेक्ट, दैट्स माय स्ट्रेंथ एरिया। बट समहाउ अगर एक आध महीने तक ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ी चलती रही, पर फाइनली फिर अल्टीमेटली अगेन आई केम बैक टू ट्रैक, एंड जब भी फोन आया तो मैंने उठाया, इन दैट फील्स लाइक गुड। मुंबई में एक बार ना यहाँ पे रसानंद प्रभु थे ना महाराज थे, तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है मुझे ही बुलाया मुंबई में, ताकि मुंबई में गुरु महाराज के साथ उज्जैन तक मैं साथ में ट्रेवल करके आ सकूँ। तो वह पहला एक्सपीरियंस था। दूसरी बार मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, मतलब गुरु महाराज से दूसरी बार फ्लाइट में ट्रैवल करना था, और पहली बार गुरु महाराज के साथ मैं 1-to-1 मतलब इस प्रकार की डीलिंग होने वाली थी। प्रिपरेशन को सब लेकर के गया था, अभी गुरु महाराज काफी थके हुए थे, और गुरु महाराज ने कहा कि अभी मैं रेस्ट लूंगा। हम लोग एयरपोर्ट से रिसीव किया, मैं मीरा भाई माता जी से हमने रिसीव किया, गुरु महाराज काफी थके हुए थे, उन्होंने काफी मसाज में लूंगा, तुमको मसाज देते आती है? अपने जीवन में किसी को मसाज नहीं। तो आई डोंट नो गुरु महाराज, ओके ओके आई विल टीच यू। गुरु महाराज ने मेरा हाथ खड़ी करके बताया मसाज कैसे देते हैं। उसके बाद फिर मैंने देना शुरू किया, ठीक है गुरु महाराज बोले और तेज दबाओ और जोर से, अरे जितनी शक्ति थी पूरी तो समय थोड़ा दुबला भी था, अभी तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ। एट दैट टाइम माय वेट वाज अराउंड 52-53 kg, अभी 63 का हो गया हूँ, तो पूरी शक्ति लगा उसके बाद भी गुरु महाराज का लगा इससे हो गया। मैंने कहा एक काम करो ठीक है तुम पाँव दबाओ, पाँव फिर दबाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ समय पे गुरु महाराज फिर सो गए। जाने के टाइम पे गुरु महाराज ने बोला था कि 6:45 तो मुझे उठा देना, 6 हम लोग यहाँ से चलेंगे क्योंकि मुझे 6:45 पे रिपोर्ट करना है। ओके मैं पूरा सामान पैक करके 5:45 पे गया, गुरु महाराज काफी गहरी नींद थे। मैंने कहा गुरु महाराज 5 मिनट तक बोला गुरु महाराज काफी गहरी नींद थे, उठे ही नहीं, 5:50 हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर से 5 मिनट ट्राई किया फिर भी गुरु महाराज नहीं उठे, 5:55 हो गए, क्या करूँ। मैं मीरा भाई माता जी के पास गया, माता जी से, माता जी 6 तो निकलने का टाइम था, 5:45 उठाने का टाइम था। माता जी का गुरु महाराज सो रहा है ना, ठीक है गुरु महाराज को सोने दो, थिंग्स विल बी मैनेज्ड। हमने कहा माता जी को ट्रांसेंडेंटल गियर लगा दी, अभी अपना क्या, गुरु महाराज उठने के बाद थोड़ी पूछेंगे। फिर से 5:55 तक गया, फिर से धीरे धीरे करते हुए एक बार आंख बंद करके जोर से बोला गुरु महाराज, पहुंच गए थे 6:35, things were managed. अब उसके बाद में फिर अभी मैं आगे बैठा था, बाहर वाली सीट में मैं था, गुरु महाराज अंदर वाली सीट में थे। अभी एयर होस्टेस कुछ ड्रिंक लेकर के आए, तो ड्रिंक लेके मुझे पीने की इच्छा हो पर मालूम नहीं पिया जाता है कि मेरा था फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं मना कर दूँ, शर्माते हुए मना कर दूँ, उसके बाद देखूँ गुरु महाराज ले लिए, अब गुरु महाराज ले लिए फिर मैं भी ले लूँ। ऐसा जब दो बार हुआ
गुरु महाराज भी मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते, पहले मना करता है, देखता मैंने ले लिया तो ये ले लिया। तीसरी बात जब एयर हॉस्टेस आई तो गुरु महाराज एयर हॉस्टेस से कहा, डोंट आस्क हिम, ही विल जस्ट डू व्हाट आई विल डू। तो इस प्रकार से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे पास टाइम्स हैं। डेफिनेटली ये यादें ही हमारे पास अभी हैं। एंड बट एक थिंग, एक चीज है कि जैसे मैं देखता हूँ श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कितने अच्छे तरीके से गुरु महाराज की ग्लोरीज को सभी जगह जो है विख्यात कर रहे हैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से। एक पास टाइम मुझे याद है, गुरु महाराज ने क्लास में बताया था कि जब भी मैं कभी विदेश में जाता हूँ और मैं किसी भक्त को बहुत अच्छी सेवा करते हुए देखता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम किनके डिसाइपल हो, और ज्यादातर लोग एक ही नाम देते हैं, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज। तो बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज इतने अच्छे से डिसाइपल्स को ट्रेन एजुकेट किया है कि दे आर ग्लोरीफाइंग द नेम ऑफ देयर स्पिरिचुअल मास्टर बाय देयर एक्शन। तो वहीं से हम सभी को डिसाइपल्स को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अवर सर्विसेज शुड स्पीक लाउडर देन अवर वर्ड्स, अवर सर्विसेज मस्ट स्पीक लाउडर देन अवर वर्ड्स। तो ताकि कभी जिस पर शिष्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज गुरु महाराज का नाम चौतरफा फैला रहे हैं ऊपर, ही इज बेसिकली इंक्रीजिंग द फेम ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सो लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सिंसियर डेडिकेटेड डिसाइपल्स लाइक महाराज एंड लेट अस आल्सो बिकम द हंबल प्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।